बसिमरिम अल्लाम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थेम जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था पैरल एक्सेस थेम पैरल एक्सिस थेरम हमारे पास ये था कि कोई भी प्लान हो उसमें हमने एक आर्बिट्ररी एक्सेस लिया था और उसके साथ हमने एक सेंटर ऑफ मैथ का एक्सेस लिया था दोनों एक्सेस एक दूसरे के पैरल थे उन एक्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस था तो उसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया था इसको हमने ऐसे कहा था आई इज़ इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच आई जो था तो टोटल रोटेशनल इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा था आई सी एम रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अबाउट सेंटर ऑफ मेस एंड एम इज़ टोटल मैस मेस ऑफ़ अ बॉडी एंड एच स्क्र इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस जिसे हमने ऐसे कहा था द टोटल मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एन आर्बिटरी एक्सेस इज इक्वल टू द समयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पेरल एक्सेस तो आज हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम इसे स्टेट ऐसे करेंगे द मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमना तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे व्हाट इज लेमना लेमना इज़ अ जनरल कंसेप्ट इट्स मीन प्लेट और लेयर आर A two-dimensional planar closed surface which has a mass and surface density in units of mass per area squared is known as lamina. The moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes दिस प्लान एंड इंटरसेक्टिंग दिस एप्लीकेबल ओनली टू अ प्लान लेमना तो यहां पर हम ये देखते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास एक शीट्स है जो कि प्लान तो इस बहुत थिन है और इसकी विर्थ भी इतनी ज्यादा नहीं है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्लान लेमना है जो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम होगा तो उसको जस्ट हम प्लान लेमना के ऊपर ही अप्लाई करेंगे ऐसी तो जिसमें हमारे पास प्लान लेमना होगा तो वहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम को यूज करेंगे अदरवाइज ज़्यादातर हम पेरल एक्सेस थेम को यूज़ करेंगे द मोमेंट ऑफ एनर्जिया प्लान लेमना अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लान इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ द लेमना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस पासिंग इन इन इट्स ओन प्लेन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट थ्रू विच द परपेंडिकुलर एक्सेस पासिस ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर एक्सेस थेरोम की तो परपेंडिकुलर एक्सिस थेरोम हमारे पास ये है कि अगर हम जी एक्सिस इस ऐसे लें कि मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया जो हो एलॉन्ग जी एक्सिस और बॉडी को हम ऐसे रोटेट करवाएं एलॉग जी एक्सिस के तो दूसरे जी एक्सिस जो होगा जी एक्सिस परपेंडिकुलर होगा जो प्लेन है प्लेन कौन सी एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा और जो हमने प्लेन लेमना लिया है तो उस प्लेन लेमना को हम एक्स वाई में क्या करेंगे प्लेस करेंगे तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस जितना रोटेशनल इनर्शिया या जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एंड एलॉन्ग वाई एक्सेस जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम जब सम लेंगे मींस आई एक्स प्लस आई वाई इज़ इक्वल टू आई जी के इक्वल हो जाएगा तो यही हमारे पास स्टेटमेंट जो होगी किसकी परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम की स्टेटमेंट होगी तो इसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं ऐसे कहते हैं कि ओ जो है इसका औरिजन है या सेंटर पॉइंट है तो ओ जी जो है ये परपेंडिकुलर टू द लेमना एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ओ ये ओ जी परपेंडिकुलर है और ओ एक्स और ओ वाई ओ एक्स हमारे पास ये है और ओ वाई ये है तो इन दोनों को ये कहेंगे ओ एक्स एंड ओ वाई आर परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस इन द प्लेन प्लेन में है ये और दूसरा जी एक्सेस जो है ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो वाला पॉइंट जो है ऑरिजन पॉइंट ओ है अगर x एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आई एक्स है यहां पर स्टूडेंट्स जो x हमने लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट में है एलॉन्ग y एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है और एलॉन्ग z एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी है ओ एक्स ओ वाई और ओ जी जो हैं तो ओ एक्स के अलांग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स ओ वाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई एंड ओ जी के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई होगा अब परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास ये होगी आई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई कि जो परपेंडिकुलर हमारे पास साइड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा सम ऑफ दो परपेंडिकुलर साइड्स जो कि प्लेन में लाए करती हैं ये इसके इक्वल होगा यहाँ पर हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे अब जो हमने ये प्लेन लेमना लिया है तो प्लेन लेमना इज़ कंसिस्ट ऑफ़ एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल हुज लेट्स हमारे पास पार्टिकल फर्स्ट है उसका मेस एम वन होगा सेकंड का एम टू एम थ्री अप टू एम एन तक इसमें पार्टिकल होंगे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस जगह पर एक पार्टिकल लेता हूँ और इस पार्टिकल को कहता हूँ एम वन इस पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू औरजन जो पोजिशन होगी आर वन यहाँ पर अगर कोई दूसरा पार्टिकल है उसकी पोजिशन जो होगी आर टू नेक्स्ट पार्टिकल जो होगा जिसका मैस एम थ्री उसकी पोजिशन आर थ्री अप टू लास्ट पार्टिकल जो होगा उसकी पोजि जिसका मैस एम एन होगा उसकी पोजिशन हमारे पास क्या होगी आर एन पोजिशन होगी तो हम ऐसे कहते हैं लेट द लेमना कंजिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मेसिस एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन एंड देर पोजिशंस आर एट द डिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर एन रिस्पेक्टिवली फ्राम दरिजन ओ फॉर सिम्प्लिसिटी लेट द मेस एम वन इज़ एट पॉइंट पी यहाँ पर हम ये कहते हैं कि पॉइंट पी लिया है इसके ऊपर मेस एम वन को हम रिप्रजेंट करते हैं और इसके कॉर्डिनेट हमारे पास एक्स वन और वाई वन आएंगे अगर यहाँ पर पार्टिकल हम एम टू लें तो उसके कॉर्डिनेट हमारे पास जो होंगे एक्स टू वाई टू तो जो हमने मेस एम वन लिया है तो पॉइंट पी के इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन आ रहे हैं एंड इट्स पोजीशंस इज़ डिनोटेड बाय आर वन तो यहाँ पर हम ये कहते हैं इसकी पोजीशंस जो होगी आर वन पोजिशंस आ रही है तो यहाँ पर अगर इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करें यहाँ से परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा तो ये हमारे पास वाई वन बन जाएगा और ये हमारे पास एक्स वन तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा आर वन इज़ इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन स्क्र कैसे कि अगर यहाँ से ये वाली साइड जहाँ पर कर तो एक्स वन और ये हमारे पास ये भी एक्स वन के इक्वल होगी अगर ये वाई वन के इक्वल है तो ये भी वाई वन के इक्वल होगी तो यहाँ से देखें ये वाली साइड मेरे पास किसके इक्वल है आर वन के इक्वल ये एक्स वन के और ये तो वही हम थ्योरम यूज़ कर सकते हैं तो एक्स वन स्क्यर प्लस वाई वन स्क्र इज इक्वल टू तो आर वन स्क्यर तो इस तरीके से हमने आर वन फाइंड किया द मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मेस एम अबाउट ओ जी एक्सिस इज़ हम ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ओ जी एक्सिस इसकी बात करते हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा तो मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया का फार्मूला क्या है आई इज़ इक्वल टू एम

इज़ एक टू एम टू आर टू स्केयर जैसे हमने आर वन की वैल्यू फाइंड की है तो इसी तरीके से हम आर टू की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं तो आर टू की वैल्यू फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल होगी एक्स टू स्क्र प्लस वाई टू स्केयर के इक्वल होगी हो फिर हम थर्ड पार्टिकल के लिए ऐसे लिखेंगे थर्ड पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई थ्री इज़ इक्वल टू एम थ्री इन टू एक्स थ्री स्क्र प्लस वाई थ्री स्क्र एंड लास्ट पार्टिकल के लिए आई एन इज़ इक्वल टू एम एन एक्स एन स्क्र प्लस वाई एन स्क्र अब हम बात करेंगे टोटल मोमेंट ऑफ एनर्शिया एलॉग ओ जी एक्सेज इज़ तो टोटल मोमेंट ऑफ एनर्शिया जो हमारे पास यहाँ से इक्वेशंस आ रही हैं इनको हम नाम देंगे ए बी सी तो जितनी भी इक्वेजन्स आ रही हैं उनका सम हमारे पास क्या होगा पार्टिकल ऑफ़ मैथ एम वन उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल ऑफ़ मैथ एम टू प्लस अप टू लास्ट पार्टिकल जो होगा एम एन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा तो हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आई जी इज़ इक्वल टू आई वन प्लस आई टू और लास्ट में हमारे पास क्या होगा आई एन तो ऐसे हम इसका मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया और जो हमने ऊपर आई वन आई टू की वैल्यू फाइंड की हुई है वो वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेज में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू इक्वेशंस ऐसे हम पोट की i1 की वैल्यू फिर हमने m1 को इनसाइड मल्टीप्लाई किया जब हमने m1 को इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो हम नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि x वाली साइड हमारे पास जैसे यहाँ पर m1 x1 एक्स वन है यहाँ से m2 x2 एक्स टू नेक्स्ट m3 x3 स्क्वायर थ्री एक्स वाली साइड एक्स साइड हम लिखेंगे और वाई वाली साइड एम वन स्क्र एम वन वाई वन स्क्र प्लस एम टू वाई टू स्क्र और इसी तरीके से लास्ट एम एन वाई एन स्क्र इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे अब ये वाली साइड जो होगी तो ये टोटल रिप्रेजेंट कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलॉग एक्स एक्सेज और ये वाली साइड जो होगी तो ये रिप्रेजेंट कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलॉग वाई एक्सेज तो ये हमारे पास आई एक्स के और ये आई वाई के इक्वल तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा आई जी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई जो कि हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है मोमेंट ऑफ इनर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर लिया कि आई जी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ परपेंडिकुलर एंड पेरल एक्सेस थेरम अल्लाह हाफिज़